दोस्तों, डंकी मूवी ने दीपिका को इमोशनल कर दिया। डंकी को देखने के बाद दीपिका कहती है, शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह है और शाहरुख का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। डंकी बहुत कुछ सिखाती है और डंकी में जो कुछ दिखाया गया है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इस बार राजकुमार हिरानी और शाहरुख ने मिलकर जो स्टोरी दिखाई है वो हर किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि इंडिया से काफी ऐसे लोग दूसरे देश गलत रास्ता चुनकर जाते हैं और फिर वो बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार होते हैं। उनको एक बार डंकी जरूर देखनी चाहिए। उसके बाद इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए कि वो कितने बड़े संकट में फंस सकते हैं। दोस्तों, डंकी हर किसी को पसंद आ रही है और डंकी ने पूरी दुनिया से 300 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन करके एक नया इतिहास लिख दिया है। हर कहीं शाहरुख ने इतना बड़ा डंका बजाया है जो कि पूरी दुनिया हैरान है। उसी के साथ शाहरुख खान इंडिया के पहले नंबर वन एक्टर बन गए हैं, जिन्होंने एक साल में 2500 करोड़ कमाकर इंडिया को और बॉलीवुड को एक बार फिर से जिंदा किया है। और यह रिकॉर्ड बहुत बड़ा है और इस रिकॉर्ड को कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। और कहा जा रहा है कि शाहरुख अब धूम 4 में नजर आएंगे, और अगर ऐसा हो गया तो जो सुनामी आएगी वो पूरी दुनिया याद रखेगी। दोस्तों, धूम 4 YRF यूनिवर्स का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और अगर इसको सिद्धांत आनंद डायरेक्ट करते हैं तो इतनी ज्यादा कलेक्शन आएगी जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा। और पूरी दुनिया में शाहरुख खान जो रिकॉर्ड बनाएंगे वो सदियों तक याद रखा जाएगा। अगर शाहरुख खान अपनी दूसरी एक्शन मूवी रिलीज करते हैं तो उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जैसे डंकी मूवी का कोई भी रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएगा। और वहीं इंडिया में डंकी की एडवांस बुकिंग ने ताबड़तोड़ तबाही मचा दी है और इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। और इंडिया में डंकी को सबसे ज्यादा स्क्रीन्स भी मिल चुके हैं। इस पर YRF इंडिया में और ओवरसीज में डंकी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब डंकी को सबसे ज्यादा स्क्रीन्स मिलने की संभावना है और ये अब एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम करेगी। डंकी को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट भी किया जा रहा है, जिसकी वीडियो आपको ट्विटर पर देखने को मिलती है। दोस्तों, शाहरुख खान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जवान के बाद शाहरुख खान का स्टारडम काफी बड़ा है और अब तो राजकुमार हिरानी की मूवी में शाहरुख खान आएंगे। इसका मतलब सारे रिकॉर्ड खत्म। सच बताना, आप डंकी का कितना इंतजार कर रहे हो और आप क्या डंकी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाओगे? कमेंट में लाजमी बताना। और अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको शाहरुख खान की हर एक मूवी की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी करना और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करना, ताकि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं।